सो हेलो ब्रेन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो मॉर्निंग को मैंने ये सब लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने कोई भी लेवल शिफ्ट नहीं किया, अगर आप जाके देखोगे सेम ऊपर साइड पे ये लेवल था, ये हमारा मिडिल वाला लेवल था, ये बॉटम लेवल था एंड उसके नीचे ये लेवल था। ठीक है, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लेवल के साथ जब भी आप काम कर रहे हो करो, बट कभी कभी क्या होता है ना मार्केट, वो जैसे कि मार्केट मेरा रूल के हिसाब से क्या इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स यहां तक जाना चाहिए। बट उससे पहले अगर मार्केट कहीं पे रुक रहा है, समझ में आ रहा है ना, रुक रहा है मतलब बार बार एक लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वहां पे आप देख लेना कि वहां पे कोई ऑपरेटर लेवल है क्या। जैसे कि मैंने आपको कल क्या बताया था, जितना भी 33 लेवल है, जैसे कि सपोज 48,033 हो गया, 48,133 हो गया, उसके बाद मैंने आपको बोला था 48,233, 48,333, ठीक है, तो इस टाइप का लेवल आपको देखना है। उसके बाद 48,433, 533, जितना भी है 33 लेवल आपको देखना है। एंड उसके साथ आपको क्या देखना है, मैंने आपको बोला था जितना भी ट्रिपल वाला नंबर है, जैसे कि सपोज 48,111 एक लेवल हो गया, ठीक है, उसके बाद 48,222 एक लेवल हो गया, ठीक है, वैसे ही 48,333 एक नंबर है, उसके बाद 48,444,555,666 जितना भी है ये सब लेवल आपको देखना, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस है। ये लेवल मैंने आपको ऑलरेडी कल ही बताया था, जितना भी 333 वाला नंबर है उसको आप, वैसे ही जो 47 आ जाएगा तो 47,33, 47,133, 233, 333 ऐसे लेवल और रहने वाला, ठीक है। तो जैसे कि देखो मार्केट ने यहाँ पे ये सपोर्ट लेके जा रहा था, ठीक है, ऊपर साइड पे आपको देखना है कि यहाँ पे कोई लेवल है क्या जहां से मार्केट रिवर्सल ले रहा है, क्यों ले रहा है। तो आप अगर जाके देखोगे ना, यहाँ पे आप इसको कंसिडर करो, 48,133 का लेवल आप यहाँ पे कंसिडर करो। देखो मार्केट यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन लेके जब नीचे आता है ना, तो आप अगर देखोगे मेरा यहाँ पे 9:39 का जो कैंडल है ना, वो मेरा जो टाइम फ्रेम बेसिस पे जो सेटअप था, वो ये 9:39 मेरा सेटअप था, उसके बाद तीन देखोगे तो 10:11 को था, ठीक है। तो 9:39 वाला कैंडल कौन सा था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये 35 से 39 आप देख रहे हो ना, आप इसको कंसिडर करो या फिर इसको कंसिडर करो, बेसिकली मैं अभी जो कंसिडर कर रहा हूँ ना लास्ट कैंडल, जो जहां पे क्लोजिंग हो रहा है वही वाला कैंडल, ठीक है। तो वो मेरा 9:39 मतलब क्लोजिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुआ, तो ये मेरा एक जोन भी बन गया। मार्केट इसके नीचे आएगा तो एक मार्केट फॉल देगा, ठीक है ना, तो ये आप ये वाला फॉल कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद मेरा एक लेवल था 10:11 को, ठीक है, 10:11 वाला कैंडल कौन सा है इसको कंसिडर करो या फिर इसको कंसिडर करो, ठीक है, ये मेरा रेड वाला कैंडल आप देख रहे हो यहां से यहां तक। तो मार्केट देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद आपको सस्टेन होना चाहिए। जैसे ये कैंडल देखो, इसके हाई को ब्रेकआउट किया क्या, नहीं, कोई भी कैंडल एक कंप्लीट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ क्या इस लेवल के ऊपर, नहीं, मार्केट नीचे आ गया। फिर देखो यहाँ पे क्लोज हुआ भी तो अंदर आ गया, देख रहे हो ना, सस्टेन का मतलब है ब्रेकआउट होने के बाद एक कैंडल कंप्लीट कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए एंड उसके हाई को ब्रेकआउट करना चाहिए, तभी वो सस्टेन कंसिडर करेंगे। तो मार्केट देखो नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो हमारा ये ट्रेंड कंटिन्यूअस चला। उस करते हैं लेवल, यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट क्यों लिया, आप देख रहे हो 47,666 वाला लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर कहाँ तक गया आप जाके देखोगे, 777 वाला लेवल को जाके टच किया होगा, आप देख रहे हो ना यहाँ पे 47,777 का लेवल को जाके टच करके फिर मार्केट रिवर्सल हो रहा है। उसके नीचे कौन सा लेवल है मेरा डॉट लेवल, ये लेवल है, तो यहाँ से ये सॉलिड फॉल यहाँ तक दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया, पहले तो मैंने यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ ये मोमेंट कैप्चर किया, 12 रुपीज से 60 रुपीज समथिंग आया, मैं 31 के आसपास एग्जिट कर गया। उसके बाद मैंने फिर से ये जो मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे फिर से मैंने एग्जिट मतलब एंट्री लिया है और मार्केट एक शार्प सेलिंग देना चाहिए जिसपे अराउंड 50% के आसपास फिर से आ गया मार्केट, मतलब अगर ओवरऑल देखो 7 रुपीज से 13 रुपीज समथिंग फिर से आ गया ये प्रीमियम, एंड ये मेरे हिसाब से यहां तक तो आना चाहिए। तो देख लेना मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे जो मैंने अपलोड किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लेवल मार्केट ओपन होता है यहाँ पे 48,084 के आसपास मार्केट, उसके नीचे हमारा लेवल कौन सा होगा आपको पता है, 48,033 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल होगा, आप ये ड्रॉ कर लो। और इसके ऊपर कौन सा लेवल होगा आपको पता है, 48,111 का एक लेवल होगा, अगर मार्केट 111 देख रहे हो ना, ये 111 का लेवल है जहां से मार्केट आके सपोर्ट दिखा रहा था, ठीक है। 111 के ऊपर मार्केट जाएगा तो कहां तक जाएगा, 48,133 का लेवल, ठीक है। अगर मार्केट ये 111 से सपोर्ट लेके ये इसके ऊपर मार्केट जाता ना, तो मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाता है, ऊपर साइड पे जो टारगेटेड लेवल है वहां तक मार्केट लेके जाता है, ठीक है। तो ये एक कंफर्मेशन मिल गया,
एंड इसके नीचे है, अगर ओवरऑल देखोगे ये 33 के नीचे अगर जाएगा तो आपको कौन सा लेवल मिलेगा, 47,000 एक 999 वाला एक लेवल मिलेगा, उसके नीचे जो लेवल मिलने वाला है 933 का लेवल मिलने वाला है, ठीक है। तो 933 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरा 933 का लेवल है। एंड उसके ऊपर अगर हम लोग कंसिडर करेंगे वो होगा एक 999 वाला नंबर, ठीक है। ओवरऑल देखो 999 को इसने ब्रेक डाउन किया हुआ है तो ये काम का नहीं है अभी के, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया हुआ है, ठीक है, देख रहे हो ना 933 को ये ब्रेक डाउन किया, दैट मींस मार्केट और भी नीचे जाएगा। 933 के नीचे कौन सा लेवल था, 833 नंबर लेवल है, ठीक है। आप सभी को पता है हम लोग 33 लेवल कंसीडर कर रहे हैं तो 833 का लेवल है, बट 833 के पहले हमें कोई लेवल ऐसा मिल रहा है क्या जहां से मार्केट रुकेगा, मिल रहा है ना, कौन सा 47,888 वाला नंबर, ये आप देख रहे हो ना 888, 47,887 जो 888 वाला नंबर है, थोड़ा सा ऊपर अगर आप कर दोगे आपको ये 888 वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखोगे तो मार्केट यहाँ पे 888 का लेवल से ये लेके जा रहा था सपोर्ट, एंड उसके ऊपर हमारे लिए कौन सा था 933 का लेवल। जब मार्केट ने ना यहाँ पे आके ये सपोर्ट लिया तो मैं यहाँ पे 31 के आसपास मैंने एक एंट्री लिया, और एक एक लेवल आपको ट्रैक करना है कि यहां से मार्केट जा रहा है तो ये कहां तक तो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब रिजेक्शन दिखा रहा था तो मैंने आपको यहां पे बोल दिया कि मार्केट जब तक ये 888 एंड 999 का लेवल है इस रेंज पे रहेगा तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो या फिर ब्रेकआउट करता है तो एक मोमेंट देने वाला है, ठीक है। और आप ये फॉल देख रहे हो तो मैं अपना प्रॉफिट को पहले मैं ट्रेल कर देता हूं यहां पे, तो अराउंड सुपर्ब, ठीक है। तो मैं यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और भी ये नीचे जा सकता है, बट ये इधर कहीं पे लेवल था ना 513 के नीचे जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था वहां तक तो मार्केट जा सकता है, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, इतना ज्यादा हम लोग क्यों ग्रेड करेंगे जब हमें डबल ट्रिपल हमें वहां पे प्रॉफिट मिल जा रहा, तो लालच करके कोई फायदा नहीं। और ऐसे में कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखो जैसे मैंने आपको बोला था 888 के नीचे जैसे मार्केट सस्टेन करेगा आपको एक फॉल देने वाला 47,833 के नीचे आपको कौन सा लेवल मिलेगा 733, तो आप 733 भी मार्क कर दो गाइस, ठीक है, देख रहे हो उसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। उसके नीचे जो लेवल मिलने वाला कौन सा होने वाला 633 का लेवल, ठीक है, आप यहाँ पे मार्क कर दो 633, परफेक्ट, उसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। आपको पता है 733 और 633 के बीच में ऐसा कोई लेवल है क्या जिससे मार्केट रिवर्सल हो सकता है, आपको पता है, और जहां पे मार्केट रेस्पेक्ट भी कर रहा है, आप देख रहे हो ना ये कौन सा लेवल है 47,666 वाला नंबर आया, पिन पॉइंट टच किया, मार्केट ऊपर गया। अगर ये 666 से जा रहा तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा 733, एंड 733 को अगर ये ब्रेक करा उसके ऊपर हमारे लिए कौन सा लेवल होगा एक 777 वाला नंबर, आप सभी को पता है 4777 ये जो नंबर है ये भी एक मतलब ऑपरेटर नंबर है। तो मार्केट गया देखो एग्जैक्टली उस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, 133 के नीचे क्लोज किया, रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद देखो फॉल दिया। तो और आपको पता है अगर ये मार्केट ने 633 को ब्रेक डाउन किया उसके नीचे कौन सा लेवल आने वाला है 533 का नंबर, ठीक है, 533 कहां पे, ठीक है, ये 533 है। अगर 533 के अगर 633 एंड 533 से पहले कोई एक ऐसा लेवल है क्या जहां से मार्केट रिवर्सल हो सकता है ना 47,555 वाला नंबर, वो कहां पे, ये वाला नंबर, ठीक है। तो मार्केट यहां तक आया नहीं, ओवरऑल देखो मार्केट यहां तक आया नहीं, और ये हमारा 633 को ऑलरेडी क्या है ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो मैं कहां तक वेट करूंगा, ये 7777 तक मैं वेट कर सकता हूँ, ये ऑलरेडी मार्केट इसके नीचे है तो मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट तो आएगा 555 तक आएगा, या फिर ये मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो मैं वहां पे पोजीशन काट सकता हूँ, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बोला ना ज्यादा ग्रीड करने की कोई जरूरत नहीं, जब आपको यहाँ पे ये फॉल दे रहा है आपको इतना अच्छा प्रीमियम मूवमेंट दिया है तो उससे ज्यादा आपको क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया, ठीक है, रूल के हिसाब से क्या है ये जाएगा, ये 666 वाला नंबर है, इसको जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये सरवाइव करता है तो आपको होल्ड करना ही नहीं है, ठीक है, और अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो यहां तक तो मार्केट को आना ही है। तो ऐसे आपको एक एक लेवल को आपको ट्रैक करना पड़ता है, ओवरऑल आप देख रहे हो ना ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक एक लेवल से मार्केट रिवर्सल होके जा रहा था। यहाँ पे भी जो मार्केट सपोर्ट लिया था ये था अपना 47,666 वाला नंबर, ठीक है, यहां से ये सपोर्ट लेके ऊपर साइड का मोमेंटम दिया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और ये हमारा इसके नीचे है तो मार्केट और भी नीचे यहां तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो जो भी है, और इसको मैं हटा दे रहा हूं, एंड
जो हम लोगों ने ड्रॉ किए थे मॉर्निंग वाला लेवल, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट का कहाँ पे था वो, देख रहे हो? ठीक है, अब देखे हो ना। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट, देखो यहां से ये नीचे आया, जब देखो ये सॉलिड ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, इसके ऊपर ये सस्टेन करने लगा, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आप सोचो ना, आप अगर यहाँ पे ट्रेड करते हो और ये मोमेंट को ही कैप्चर करते हो, यहाँ पे भी कैप्चर करते हो, स्टील आपको 15% कारवाई है भाई। ये ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर अपसाइड का मोमेंटम दिया, आया नीचे, तो देखो यहां से सपोर्ट दिखाया। देखो जब बड़ा कैंडल बन जाता है ना, तब आप वहां पे ट्रेड मत लो, जैसे कि ये बड़ा कैंडल बन गया, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे। यहाँ पे ट्रेड लोगे तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट अगर आप देखो एक सपोर्ट लेवल पे दिखा रहा है कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा हुए, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। जैसे कि ये सॉलिड यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो। जब मार्केट छोटा कैंडल बनेगा, जैसे इस टाइप का छोटा कैंडल बना, तो वैसे कैंडल केसेस में आप ट्रेड लोगे तो आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। आप देखो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करोगे, तो आप इजीली ये मोमेंट को आप कैप्चर कर पाओगे। विद दैट मैंने आपको बोला है, ये इसके रिगार्डिंग, इसके बारे में आपको बोला है, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है उसके ऊपर आपको एक सस्टेन कैंडल चाहिए। सस्टेन मतलब एक कंप्लीट कैंडल क्लोज होना चाहिए, बट मैं प्रिफेयर करता हूँ एक कंप्लीट रेड कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। उसके हाई को जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो मैं एंट्री पोजिशन बनाता हूँ। जैसे कि अगर आप देखो इसके हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक मोमेंटम दिया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, जैसे कि मार्केट ये जो नीचे आया, यहाँ पे कहीं पे देखोगे तो ग्रीन कैंडल बनाया क्या? नहीं, यहाँ पे जाके ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल का लो को ब्रेकडाउन किया क्या? नहीं किया। दैट मीन्स मार्केट ये नीचे और नहीं जा पाएगा, यहाँ से रिवर्सल हुआ। अगर मार्केट यहीं से ये इसके नीचे आ जाता तो मार्केट और भी नीचे जाने के चांसेस होता, ठीक है। तो वैसे ही आप देखो मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके हाई को जैसे ब्रेकआउट किया, देखो सॉलिड अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। आप देख रहे हो यहाँ पे ये मार्केट ने इसके ऊपर मतलब ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पे ये सस्टेन भी किया, एक रेड कैंडल ये बना, इसके हाई को इसने ब्रेकआउट किया क्या? नहीं कर पाया, मार्केट रिवर्सल होकर नीचे आ गया, ठीक है। आप देख रहे हो मार्केट इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया इस लेवल को, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, जैसे इसके नीचे आया देखो एक सॉलिड मोमेंटम आपको देखने को मिला, ठीक है। मैं एक्चुअली ये मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कोशिश करता हूँ हमेशा, ठीक है। अब देख रहे हो ना मार्केट कंटिन्यूअसली ये चलता जा रहा है, एंड वैसे ही देखो 777 का लेवल से आया मार्केट, इसके नीचे कौन सा लेवल था? 633, 633 के नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ, उसके नीचे आएगा तो कौन सा लेवल होगा? मैंने आपको बोला 555 वाला नंबर, यहां तक तो एटलीस्ट आएगा। 555 को ब्रेकडाउन करेगा तो 533 का लेवल, एंड उसके नीचे आएगा तो ये लेवल सब आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस 330 हो गया, मार्केट जस्ट कंप्लीट हुआ, और मैंने यहाँ पे जो भी है पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा अभी आधा घंटे में, ताकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। बहुत सारे मैसेज आता है पोस्ट मार्केट वीडियो के लिए, तो मैं टाइम निकाल के ऐसे अभी जैसे मार्केट खत्म हुआ मैं पहले रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद ब्रेक लूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने मॉर्निंग को कुछ लेवल शेयर किया था हम ग्रुप पे, कम्प्लीटली फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना वहां पे, ठीक है। जो भी मेरा मतलब व्यू रहता है प्री मार्केट एनालिसिस का, जो भी रहता है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। एंड बीच बीच में अगर मुझे कहीं पे लगता है कि मार्केट मतलब अपना रिवर्सल हो सकता है या फिर ब्रेकआउट दे सकता है, तो ये अपना व्यू मैं वहां पे ग्रुप में, ये जो भी आप लेवल देख रहे हो, मैंने मॉर्निंग को ये सब लेवल शेयर किया था। एंड अगर आप एक चीज देख रहे हो, मार्केट का ओपनिंग था यहाँ पे 48,086 का लेवल, ठीक है। तो मैं मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर साइड पे ये टारगेट देगा, अगर मार्केट यहाँ पे ये लेवल जाने से पहले यहाँ पे कहीं पे रुक रहा है, ठीक है, वो क्यों रुका है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये मार्केट ऊपर गया, यहां से रिजेक्शन दिखाया, और बॉटम साइड पे आप लेवल देख रहे हो ना 47,211.9 का लेवल, एक भी लेवल मैंने शिफ्ट नहीं किया, जैसे लेवल था वैसे ही है, ठीक है। बट हमें क्या करना पड़ता है, देखो हम लोग ये एक मॉर्निंग को एक प्रेडिक्शन कर लिए कि ऊपर जाएगा तो ये सब टारगेट मिलेगा, नीचे रहेगा तो ये टारगेट सब मिलने वाला है, ठीक है। बट विद दैट ना हमें अपना ऑपरेटर लेवल जो है उसके साथ थोड़ा सा कंबाइन करके हमें ट्रेड करना पड़ता है, बिकॉज देखो ये मार्केट आएगा यहाँ पे, बट अगर यहाँ से ये मार्केट यहाँ तक जाता है फिर रिवर्सल होता है, तो आपने जो यहाँ से यहाँ तक मार्केट यहाँ तक जाएगा तो वो डीके हो जाएगा। तो बेटर है आपको अगर कहीं पे रिवर्सल दिख रहा है निकल जाओ, अगर वहां पे दिख रहा है कि ऊपर साइड के लिए जाएगा एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तो वहां पे टारगेट लेने के लिए कोशिश करो, वहां से आपको दिख रहा है फिर गिरेगा तो आप वहां से फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए कोशिश करो, ठीक है। तो ये आप अगर प्रॉपर लेवल के साथ आप ट्रेड करोगे ना, तो आप देखो ये ज्यादा टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे, देखो 47,211 का लेवल आप देख रहे हो, ये कौन सा लेवल है?
47,211 का लेवल, और मार्केट कहाँ पे आके क्लोज किया आप देख रहे हो ना। ये तो लेवल छोड़ो, मैं ये मैंने दिया भी नहीं था आप लोग को, मैंने इतना आप लोग के साथ शेयर किया था 211 का लेवल, और देखो मार्केट आके एग्जैक्टली यहाँ पे खत्म हुआ। मार्केट ओपनिंग हुआ कहाँ पे, 48,086 का लेवल, ठीक है। अगर मार्केट यहां से ये ऊपर साइड पे कंटिन्यू करता ना, ऊपर साइड का ये सब टारगेटेड लेवल आपको देना था, ठीक है। तो बट मार्केट यहां से रिवर्सल हुआ, बिकॉज जो मैंने कल के वीडियो पे आपको एक्सप्लेन किया था 33 का लेवल हम लोग कंसीडर करते हैं बेसिकली। प्लस और एक कंफर्मेशन किया था, अगर मैं आपको दिखाता हूं ना, तो यहां पे मेरा 75 पॉइंट का मेरा एक मतलब कैलकुलेशन निकल रहा था, मैं आपको दिखा देता हूं वो भी। हाँ, 75 पॉइंट का एक मेरा कैलकुलेशन था, अगर आप देखोगे ये 75 पॉइंट जो है यही है, यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ना, मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने आप लोगों को बोला था कि 4 पार्ट्स होता है बेसिकली, डिवाइड करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। ये ओपनिंग से 75 पॉइंट अगर मैं ऊपर लेता हूं तो आप देख लो ये है, ठीक है, एग्जैक्टली ये है 75-76 पॉइंट। प्लस हमारे यहाँ पे क्या कंफर्मेशन था कि ये हमारा 48,133 का लेवल से ये रिजेक्शन ले रहा है। प्लस जब हमारे ये लेवल के नीचे आ गया तो हमें ये टारगेट लेवल मिलेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये लेवल मिलेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये लेवल मिलेगा। एंड अगर यहाँ पे देखते हो ना, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों आया, अगर आप ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों आया था, मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन किया था, अगर मार्केट ना गैप अप खुलेगा तो ज्यादा कुछ मार्केट के लिए ऊपर साइड पे स्टॉप लॉस नहीं मिलने वाला है, बिकॉज जो भी लोग सेल किए थे ना मार्केट ये ऑलरेडी इनका स्टॉप लॉस ले लिया होगा, ठीक है। अगर ऊपर जाना हो भी होगा ना, वो क्या करेगा, कुछ सेलर्स को बुलाएगा ऊपर जाएगा, कुछ सेलर्स को बुला के फिर ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला। अदरवाइज मार्केट कुछ बायर्स को बुला के फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब नीचे आएगा, मैंने आपको बोला भी था कि ये जो भी बायर्स है इनका स्टॉप लॉस मिलेगा, इनका स्टॉप लॉस मिलेगा, इनका स्टॉप लॉस मिलेगा, ये गैप पे भी जो भी है या फिर यहाँ पे जो भी लोगों का स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस मार्केट को मिलने वाला, तो एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो भी बड़ा वाला स्विंग है यहां से ये बॉटम तक अगर आप कंसीडर करते हो, उसका 0.5 एंड 0.618 का लेवल जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंस है। इसके नीचे अगर देखो, इसने ब्रेकडाउन किया, ऊपर गया 0.618 के रेजिस्टेंस बना के फिर मार्केट नीचे आने के लिए कोशिश किया, ये ऊपर सपोर्ट लेने के लिए कोशिश किया बट सपोर्ट लिया क्या, ये 0.618 को ब्रेकडाउन किया, ठीक है, यहाँ पे 0.5 को भी ब्रेकडाउन किया, ऊपर गया रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे आया, ठीक है। तो हम लोग का प्लान क्या था, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा देन हम लोग ऑफ साइड के लिए प्लान करेंगे, बट मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा देन डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। और टारगेट वो क्या करेगा, ये जो भी पॉइंट है इस पॉइंट से अगर आप ये टॉप पोजिशन तक कंसिडर करते हो तो उसका 0.5 एंड 0.618 का लेवल आपके लिए एक टारगेट लेवल होने वाला है। अगर वहां पे उसको ब्रेकडाउन करता है तो फिर मार्केट और भी नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो और ये सारा चीज जो है ना, आप मार्केट इस तरह स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों आया, बिकॉज स्टॉप लॉस इसको मिलता गया, यहाँ पे कुछ बायर्स को बुलाया, यहाँ पे कुछ बायर्स को बुलाया, यहाँ पे कुछ बायर्स को बुलाया, उसके बाद क्या, जैसे नीचे आया ये बायर्स का स्टॉप लॉस मिला, इनका स्टॉप लॉस मिला, इनका स्टॉप लॉस मिला, इनका स्टॉप लॉस मिला, जैसे स्टॉप लॉस मिलता गया मार्केट पे एक सेलिंग आता गया मार्केट पे, ठीक है। और डॉट लेवल तो आपको पता ही है कैसे क्या करना है, 72% का लेवल था, अगर आप प्रीवियस दिन का स्लिपेज क्लोजिंग से यहाँ से ऊपर 72% कंसीडर करते हो, जो भी लेवल आपको मिलेगा उसको आप 25% करके आप डिवाइड कर देना, और अगर छोटा जोन बना तो वहां पे 50% करके ड्रॉप, मार्केट यहाँ पे खुला था, ठीक है। उसके नीचे आपके लिए कौन सा लेवल था, 48,033 का एक लेवल था, ठीक है, 33 का लेवल सभी कंसिडर करना। एंड अगर ऊपर साइड पे जा रहा है तो आपके लिए कौन सा लेवल था, 48,133 का लेवल था, ठीक है, उसके ऊपर जा नहीं पाया। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो इसके नीचे कौन सा लेवल होगा, 47,933 का लेवल होने वाला है, ठीक है, ये लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ठीक है। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट के लिए और लेवल क्या होने वाला है, यहाँ पे उसके नीचे 833 का लेवल होने वाला है, ठीक है, 833 को ब्रेकडाउन किया तो मार्केट आपको कहां तक आना चाहिए, 733 तक आना चाहिए, ठीक है। 733 को ब्रेकडाउन किया तो मार्केट कहां तक आना चाहिए, 633 तक आना चाहिए, ठीक है। अगर इसको भी मार्केट ने ब्रेकडाउन किया उसके नीचे कौन सा लेवल होने वाला है, 533 का लेवल होने वाला है, ठीक है। अगर 533 को ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट कहां तक आएगा, 433 तक, ठीक है। 433 से सपोर्ट लेके ऊपर गया, उसके बाद फिर जो मार्केट नीचे है उसके नीचे कौन सा लेवल होने वाला है, 333 तक लेवल आने वाला है, ठीक है, ये लेवल है। उसके नीचे कौन सा लेवल है, 233 लेवल है, ठीक है, तो ये लेवल है। तो आप देख रहे हो एक एक लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन करता गया, प्लस बीच बीच में ये जो मार्केट रिट्रेसमेंट लिया है क्यों लिया, ओवरऑल देखोगे मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट क्यों ले रहा था, यहाँ पे कोई लेवल है क्या अपना,
यहाँ पे अगर आप देखो कोई लेवल है नहीं, तो ये रिट्रेसमेंट है कि फेक रिट्रेसमेंट है। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो ये लेवल कौन सा लेवल से ले रहा है, 47,888 का लेवल। आपको पता है 888 के ऊपर गया ये, जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया 933 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन किया, ये 4 मिनट कैंडल आपको देखना पड़ता है। यहाँ पे मैं ये 6 मिनट कैंडल आपको करके दे रहा हूँ, बट अगर आप 4 मिनट कैंडल देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो ये इसके ऊपर क्लोज हुआ 33 के ऊपर, मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया था। ये 88 से 888 से सपोर्ट लेके जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर साइड पे एक लेवल दिखाएगा 999 का लेवल। ठीक है, 47,999 का लेवल अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट कंटिन्यूअस डायरेक्शन में जाएगा। जब मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो गया ना, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन काट लिया। और मैंने आपको वहां पे इसको हटा के मैंने आपको एक चीज बताया, जब मार्केट ये 999 को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, या फिर 888 लेवल को ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे जाएगा। इसके नीचे ब्रेकडाउन किया, उसके बाद ये फॉल देखो, मार्केट कहीं पे रुका ही नहीं, कंटिन्यूअसली फॉल देता गया। एंड उसके साथ आप देखना यहाँ पे ये जो मार्केट सपोर्ट लिया, ये क्यों सपोर्ट लिया, अब देखना ये बीच में ये सपोर्ट क्यों लिया। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे लेवल 666 का लेवल से सपोर्ट लेके जा रहा है, यहां से अगर ये सपोर्ट लेके जा रहा है, ऊपर साइड पे रेजिस्टेंस भी कहाँ पे लेगा आपको पता है, 777 का लेवल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये लेवल आप देख लो 4777 आप दिख रहा है ना, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे ये जो सपोर्ट ले रहा है आपको कौन सा लेवल आपको दिख रहा है क्या, ये कोई भी लेवल नहीं है। ओवरऑल देखोगे तो ये कोई भी मतलब ना 555 वाला लेवल है, ना यहाँ पे 33 वाला लेवल है, तो कोई लेवल नहीं है। तो मार्केट ऊपर गया, ये एक फेक रिट्रेसमेंट है, वहां से मार्केट को नीचे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 33 से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये हाई को ब्रेकआउट कर पाया क्या, नहीं कर पाया, उसके नीचे ही मार्केट रहा, तो मार्केट ये नीचे आ गया। यहाँ पे देखो 333 का लेवल से यहाँ पे जो 433 से ऊपर गया एक लेवल से मार्केट, फिर ऊपर जाके फिर एक सर्टेन लेवल से फिर मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आया। ठीक है, तो आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो एक एक लेवल को। और बाकी मॉर्निंग को जो मैं बड़ा वाला जोन दे देता हूँ, जोन एक ना एक टारगेट कंप्लीट करता ही है। अगर ऊपर साइड पे जाता है तो ऊपर का टारगेट देता है, नीचे साइड पे जाता है तो नीचे का टारगेट देने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, तो अभी आपको ये तो मोमेंटम, ऐसे मार्केट पे भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे तो और कैसा मार्केट आपको चाहिए। ठीक है, ओवरऑल अभी देखो, अभी अभी का सिचुएशन अगर आप देखते हो, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे कुछ चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखना। मार्केट ने ये बड़ा स्विंग है, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो मैं अगर कंसीडर करूं यहां से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, उसके बाद नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, तो मैं अगर कंसीडर करता हूं यहां से इसको एज ए कंप्लीट स्विंग, या फिर इसको कंप्लीट करो या फिर इसको, ठीक है, इसको अगर मैं कंसीडर करूं एज ए कंप्लीट इम्पल्स, उसके बाद ये जो करेक्शन दिया इसको मैं करेक्शन कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो बॉटम लेवल है, इस बॉटम लेवल से ये टॉप लेवल तक जो भी है कंबाइन करके आप देख लेना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, उसका 0.5 एंड 0.618 के जोन जो है ये वाला जोन है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग होता है, इधर कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट दिखाता है, देन हम लोग यहाँ पे ऑफ साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाता है तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। अगर मार्केट नीचे खुल के ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट दिखाता है, देन मैं लॉन्ग साइड के लिए प्लान करूंगा। कहां तक, ये जो भी मार्केट ने फॉल दिया इस टॉप पोजिशन से ये बॉटम पोजिशन लेके, इसका 0.5 तक मैं ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो इस रेंज पे जो रहेगा तो मैं क्या करूंगा, यहां से सपोर्ट दिखा के यहां तक टारगेट लूंगा, यहां पे रेजिस्टेंस दिखा के मैं यहां तक टारगेट लूंगा। इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं लॉन्ग साइड के लिए एक्सपेक्ट करूंगा, इसको ब्रेकडाउन करेगा तो मैं डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट करूंगा। तो यही मेरा एक ओवरव्यू है। उसके बाद मार्केट कहां पे ओपनिंग हो रहा है, ओपनिंग के हिसाब से हम लोग अपना डॉट लेवल वगैरह ड्रॉ करते हैं, एंड क्लोजिंग के हिसाब से भी हम लोग डॉट लेवल ड्रॉ करते हैं। तो 2-3 कंफर्मेशन जब मिलता है वहां पे हम लोग एक ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये दो चीज देखना है, उस बेसिस पे जो भी रहेगा मार्केट कहाँ पे ओपनिंग होगा उस बेसिस पे हम लोग प्लान करने वाले हैं। अभी निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी कल एक्सपायरी होने वाला है, तो निफ्टी का अगर हम लोग देखें, निफ्टी में भी एक अच्छा खासा फॉल दिया हुआ है यहाँ पे। तो ओवरऑल देखो मार्केट इसके ऊपर ना कोई भी स्टॉपलॉस मार्केट के लिए था नहीं, तो मैंने तो ऑलरेडी आपको बोला था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा कुछ सेलर्स को बुलाएगा, ऊपर ब्रेकआउट करेगा ऊपर जाएगा कुछ सेलर्स को बुलाएगा, हायर हाई क्रिएट करके जाएगा। अदरवाइज मार्केट अगर नीचे जाना होगा क्या करेगा, कुछ बायर्स को बुलाएगा, कुछ बायर्स को बुलाएगा, कुछ बायर्स को बुलाएगा, उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये छोटा वाला जो है मार्केट यहां से यहां तक अगर आप कंसीडर करते हो, उसका 0.5 0.618 का लेवल ये था, इसको ब्रेकडाउन करता तो मार्केट को कहां तक आना चाहिए था, ये जो भी एक वर्टिकल लाइन पे ऊपर मार्केट गया ना, तो ये बॉटम पोजीशन से ये टॉप पोजीशन तक कंसीडर करोगे तो उसको ये वाला टारगेट तक मार्केट को देना चाहिए था। ओवरऑल अगर आप देखते हो ये छोटा वाला स्विंग था,
जहां से मार्केट ब्रेकडाउन किया तो मार्केट को कहां तक आना चाहिए था, ये जो भी बड़ा वाला स्विंग है ये बॉटम से टॉप तक कंसीडर कर रहे तो मार्केट के लिए यहां तक आना चाहिए था। ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा देन ऑफ साइड के लिए जाओगे, इसके नीचे जाएगा तो डाउन साइड के लिए। अभी का सिचुएशन अगर आप देखोगे मार्केट ये कंप्लीट स्विंग है उसका 0.5, 0.6, 180 है, गैप डाउन खुल गया, इसको रेजिस्टेंस दिखाएगा, डाउन साइड के लिए सोचना, इसके ऊपर ऑफ साइड के लिए सोचना, ये अभी काम का नहीं है। अभी आपके लिए काम क्या करेगा, ये टॉप पोजिशन जहां से मार्केट आया है इसको कंसीडर करो या इसको कंसीडर करो, यहां से ये बॉटम पोजिशन को लेके इसका 0.5 and 0.618 का लेवल को मार्क कर देना। ठीक है, इस बीच में ये जोन, दोनों जोन के बीच में आपको यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा, इसको ब्रेकआउट पे, रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग साइड पे, इसको ब्रेकडाउन पे, रिट्रेसमेंट पे डाउन साइड के लिए प्लान करना, एंड बाकी आपको डॉट लेवल वगैरह भी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलता है और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।